ये कानून ड्रैकोनियन है और इसके जरिए आप फिर से एक इंस्पेक्टर राज की तरफ आगे बढ़ रहे हो और जिसके दुष्परिणाम आने वाले वक्त में हर कोई भोगेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ये कानून सिर्फ अपने ढकने के लिए मत लाओ। राजस्थान के बच्चों का जो बुरा होना था वो तो हो गया, लेकिन आज उन बच्चों को अपराधी बनाने की दिशा में मत आगे बढ़ो। चरित्रवान, नैतिक बल और प्रतिबद्ध लोगों को इन परीक्षाओं का काम सौंपो। आपने इसके अंदर लिख दिया एक्ट में, पीछे आपकी जो लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सी आपके इन्वॉल्व होंगे, शेड्यूल 1, इसमें आपने लिख दिया राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम का इंचार्ज कौन होता है? हाईकोर्ट का जज होता है। तो सारी विरोधाभासी चीजें हैं और नहीं संभलता हो, आपसे पास ढंग के प्रशासन में लोग नहीं हो तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेज को ये सारा काम सौंप दो, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का पर्चा लीक नहीं हुआ और यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर्स को, यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन के लाकर बिठाओ जिनका पर्चा आज तक लीक नहीं हुआ। ये जेल भरने की दिशा में आगे मत बढ़िए। एक सरकार लेकर के बैठे हैं तो एक आत्मविश्वास दिखाइए, एक सरकार का नूर दिखाइए, सरकार की ताकत दिखाइए। कैसे लीक हो जाएगा? हर हालत में हम रोकेंगे। ये कानून, इस तरीके के कानून बनाने से, 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लाने से ये चीजें रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, मैंने कुछ प्रावधानों का उल्लेख आपको किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि आप बहुत गंभीर प्रावधान और इकोनॉमिक क्राइम मानते हुए प्रावधान लेकर के आए हैं आप, इसलिए इतना जल्दबाजी में पारित मत करिए। कोई सरकार की नाक नीचे नहीं होगी। राजस्थान के अंदर नहीं, आप निश्चित तौर पर यूपी की तर्ज पर आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और उसके अंदर प्रावधान करें कि उसके अंदर एनएसए जैसी संस्थाएं, सीबीआई जैसी संस्थाएं इसकी जांच करें, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर। एक सभापति महोदय, ये जो कोचिंग सेंटर की मैंने बात की, नौकरियां लूटने के लिए संगठित गिरोह है तो कोचिंग सेंटर, मैंने प्रतिपक्ष के नेता को एक विज्ञापन दिखाया, पटवारी की परीक्षा और शर्त आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन नहीं होने पर इतने रुपए वापिस, कैसे कर सकते हैं सभापति महोदय? मुझे ये जो कोचिंग सेंटर है सभापति महोदय, इसके इस तरह के विज्ञापन और हो क्या रहा है? मतलब सभापति महोदय, 1000% पत्र प्रतियोगिता योग्यता परीक्षा में आए गए 1000 में से पूरा प्रश्न पत्र आएगा, उसकी फीस अलग, उसकी फीस है 3 महीने के लिए 1,00,000 रुपया, गारंटी है 1000% पत्र देंगे उसके अंदर सारा जो पेपर आएगा पूरा आएगा, और अगर 500 से आएगा तो उसकी फीस है इनके 2,00,000 रुपए, और 100 से आए 100% पत्र देंगे और इस गारंटी से देंगे कि पूरा का पूरा प्रतियोगिता परीक्षा में जो सरकार की नौकरी के लिए है उसमें सारा प्रश्न पत्र आएगा, तो 5,00,000 रुपए। मैं समझता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रायोगिक रूप से मंत्री जी, आप बड़े दमदार मंत्री हो, आपने इतिहास रचा है, आपके संज्ञान में ये बात आई नहीं, ये बात आती है तो आप कोचिंग सेंटर को इस एक्ट के दायरे में लेकर आते, तो इसमें एक अमेंडमेंट मूव करके कोचिंग सेंटर को भी इस एक्ट के दायरे में लाए, इस तरह की मेरी आपसे प्रार्थना है। उपरांत भी नकल का अपराध हो जाने के बाद भी ऐसे अपराध से छूट क्यों दी गई? इसी तरीके सेक्शन 10 में परीक्षार्थियों को सजा के रूप में 3 वर्ष व जुर्माना 1,00,000 नहीं अदा करने पर 9 माह के अतिरिक्त दंड का प्रावधान है, लेकिन 2 में अन्य व्यक्ति को सजा 10 वर्ष व जुर्माना 10 करोड़ तक का है, लेकिन अदा न करने पर अतिरिक्त दंड 2 वर्ष का है। 1,00,000 वाले पे 9 माह का और 10 करोड़ वाले को केवल 2 वर्ष का सजा का प्रावधान ही क्यों है? सेक्शन 10 के प्रोवाइडेड में सजा कम करने के विशेष प्रावधान का भी जिक्र है, इस पर गौर करिएगा सभापति महोदय कि 10 में प्रोवाइडेड में सजा कम करने के विशेष प्रावधान का जिक्र है। अपराधियों को सजा किन परिस्थितियों, किन कारणों से क्यों कम की जाए यह स्पष्ट नहीं है। सेक्शन 11 में परीक्षार्थियों को अपराध में लिप्तता पर 2 वर्ष तक का प्रतिबंध, वह क्यों नहीं आजीवन कारावास के प्रतिबंध तक चला जाए? इन परीक्षार्थियों पर 2 वर्ष का प्रतिबंध कब से गिना जाएगा? पकड़े जाने पर या चार्जशीट पेश होने पर या चार्ज लगने तक या सजा होने तक?
सेक्शन 12 में संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के सब सेक्शन 2 में अनुसंधान अधिकारी को संपत्ति अपराध से प्राप्त होने का पता चलने पर संपत्ति कुर्क या अधिग्रहण करने के वास्ते सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक क्यों है? जब ये प्रूव हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, उसके बावजूद भी इसके बाद सरकार कितने समय में स्वीकृति देगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी तो पुराने केसेज की अभियोजन की स्वीकृतियां भी पेंडिंग पड़ी हैं। सरकार द्वारा स्वीकृति न देने पर ऐसी संपत्ति का क्या होगा जो अपराध में लिप्त और जो स्पष्ट नहीं किया गया होगा? ऐसी संपत्तियों का क्या होगा? संपत्ति जब्त या कुर्क करने के उपरांत कोर्ट को 48 घंटों में सूचना आवश्यक बताया गया है, लेकिन सरकार को स्वीकृति का समय तय क्यों नहीं किया गया? ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय खोलना बताया गया है। ऐसे प्रकरण के लिए फास्ट ट्रैक का प्रावधान क्यों नहीं किया जाना चाहिए?